अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग. यू आर वाचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब. नाज़रीन, आज इस वक्त दुनिया भर की नज़रें अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ता हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर लगी हुई हैं. ईरान ने जो कहा था वो आज करके दिखाया है. ईरान ने हमला अमेरिकन यूएस मिलिट्री बेसिस पर उस वक्त किया जब वहां पर दो मिलिट्री बेसिस पर यूएस पर्सनल, कहा जाता है कि उनको टारगेट किया गया है, जब कासिम सुलेमानी को ड्रोन स्ट्राइक का निशाना बनाया गया था जिस एयरबेस से, जिस यूएस एयरबेस से, उसी यूएस एयरबेस पर आज ईरान ने मिसाइल्स जो है या रॉकेट जो है वो लॉन्च किए हैं. अब इराक में अमेरिका के ये दो जो मिलिट्री बेसिस थे इनको मिसाइल हमलों का निशाना बनाने की वेरिफिकेशन भी कर दी गई है. ईरानी स्टेट टेलीविजन के मुताबिक 80 अफराद जो हैं वो इन हमलों में हलाक हुए हैं. अब अमेरिका से बदला लेने के बाद कासिम सुलेमानी की मैयत को दफना दिया गया है. पेंटागन ने भी इस हमले की तस्दीक की है और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद अपनी ट्वीट में कहा कि ऑल इज वेल. ईरानी सरजमीन से इराक में दो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है, नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है. और उन्होंने यह भी कहा अपनी ट्वीट में कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन और ताकतवर फौज है. जहां पर हम देखते हैं कि हमले के बाद ईरानी वजीर खारजा जो हैं वो भी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ईरान ने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत सेल्फ डिफेंस में मुनासिब इकदाम उठाए हैं. ईरान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता लेकिन जाहरियत का दिफा जरूर किया जाएगा. अब इस तमाम सूरत हाल के बाद दुनिया भर की कई स्टॉक मार्केट जो है उनमें हमने देखा कि डाउनफॉल देखने में आया और सवाल अभी उठाए जा रहे हैं कि जो जवाबी इकदाम होंगे या ये मामला जो है आगे और बढ़ता हुआ नजर आएगा या रुकता हुआ नजर आएगा, क्या यहां से एक नई जंग का आगाज होगा, क्या आलमी ताकतें इस रीजन में बढ़ती हुई इस कॉम्प्लेक्सिटी को रोक पाएंगी. इस तमाम सिचुएशन को हम आज अपनी डिबेट में लेकर आएंगे. साथ साथ हम बात करेंगे जो आज आर्मी एक्ट अमेंडमेंट 2020 बिल्स जो है वो अप्रूव हुए हैं सेनेट से भी, नेशनल असेंबली के बाद सेनेट से भी अप्रूव हो गए हैं, हम उनको भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे. बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चले. हमें अमेरिका से ज्वाइन करेंगे जनाब साजिद तारर साहब, फाउंडर ऑफ अमेरिकन मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन है, एडवाइजर टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है. और हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है. उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब जवाद अहमद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बराबरी पार्टी है. और हमें सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जो है वो टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे. अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. जैसा कि आपने देखा कि आज बड़ा दो टोक हमें जो है जवाब आता हुआ नजर आया है ईरान की जानिब से. और हम यहाँ पर फिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन साहब आपकी जानिब आएंगे. अब आज जो सामने हमारे है इस वक्त सिचुएशन वो ईरान की जानिब से अटैक है जो कि रात 1:30 बजे के करीब जो है इराक में किया जाता है यूएस की जो दो मिलिट्री बेसिस थी जिनके नाम अगर हम आपको बता दें एग्जैक्ट, तो ऐन अल असद है और इब्रिल है. और ये कहा जा रहा है कि इन एयर बेसिस से यूएस ड्रोन स्ट्राइक की गई थी जिससे कि जो ईरानियन कमांडर कासिम सुलेमानी है उनकी हलाकत पेश आई थी. अब ये इन मकामात पर जो है जहां पे कहा जा रहा है कि ये जो एयर बेसिस थी यहां पर यूएस ट्रूप्स जो थे वो स्टेशन थे और तेहरान के मुताबिक तकरीबन 80 यूएस पर्सनल जो हैं वो हलाक हुए हैं. अब ये हमारा सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि या ये जो स्ट्राइक की गई है, काउंटर स्ट्राइक कह लें या जो ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है, क्या आपको लगता है कि यहां से एस्केलेशन होती हुई नजर आएगी, क्या वर्ल्ड वॉर 3 का एक ऑफिशियल खुदा ना ख्वास्ता आगाज समझा जाएगा? इलम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं. आपने जो बात की, पहले भी ये एक्सपेक्टेशन यही थी कि ईरान कभी डायरेक्ट अटैक अमेरिका में या यूरोप में नहीं करेगा, वो इधर प्राक्सी वार के तौर पे वो इराक में ही जहाँ अमेरिका के बेसिस है वहाँ करेगा. और क्योंकि पहल ये अमेरिका ने की है, उनका एक बहुत लीडर जो उनके कहने मुताबिक एक जा रहा था मैसेज लेकर जो कि अमेरिका ने डिनाई किया है, उसको डायरेक्ट अटैक किया है उसके राकेटों से और उसको अपना शहीद किया है. उसके बाद ईरान का बड़ा दो टोक जवाब आया था कि हम बदला लेंगे, उन्होंने वो बदला लिया है और उन्होंने भी फौजी टारगेट चुने हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सिविलियन या डायरेक्ट हम वो भी वार नहीं चाहते. उन्होंने जो अटैक किया है वो बेसिस पे किया है, वो उनके फौजी अड्डों के पे किया है और ये एक्सपेक्टेड था.
लेकिन साथ ही आप देखो उन्होंने कह दिया कि हम इसके बाद हमने बदला ले लिया, हमारी तरफ से अभी कोई ऐसी जंग की सूरत या नहीं बनेगी। लेकिन ये सारा भी डिपेंड करता है अमेरिका पे। अमेरिका ने ऑलरेडी खलीज पे आकर शाम ले लें, यमन ले लें, इराक ले लें, आप अफगानिस्तान लेके, ये कभी मुमकिन हुआ ही नहीं है कि आप बाहर से आकर इतनी दूर अपने हेजमनी तस्लीम करवाएं। और गैर अभी देखें, इराक ने उनको, इराक की असम्बली ने, इराक के वजीर आजम ने उनको कहा जी आप यहाँ से निकलें। ये कभी किसी दूसरे मुल्क में जाकर ये कभी भी कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका ने ना वियतनाम से सबक सीखा, ना अफगानिस्तान से सबक सीखा। वो अभी ट्रंप साहब जो आए हुए हैं, जिन्होंने मरहल दुनिया को के अमन को तबाह करना है, वो दहशतगर्दी तो खुद फैला रहे हैं आपके दूसरे मुल्कों में आकर लोगों को शहीद कर रहे हैं। फिर हमारी बदकिस्मती की ये हाल है, राइट। लेकिन जवाद अहमद साहब, अब ये हम देखते हैं कि ईरान ने अपनी सरजमीन से एक दर्जन से ज़ायद, तकरीबन 22 से भी ज़ायद जो है कहा जा रहा है कि जो रॉकेट्स हैं वो फायर किए हैं। और ईरानी जो टीवी है, टेलीविजन, स्टेट टेलीविजन, उनके मुताबिक 80 अफराद जो हैं वो इन हमलों के नतीजे में हलाक हुए हैं। अब इस हमले के बाद हम देखते हैं कि जो कासिम सुलेमानी थे उनकी मैयत को फिर दफनाया जाता है। तो ये तमाम कार्रवाई जो ईरान की जानिब से हुई है, क्या इसे कंक्लूसिव कार्रवाई समझा जाए? उन्होंने जो ये ऑपरेशन सुलेमानी के नाम से ये अटैक किए हैं, ये क्या कंक्लूसिव उनकी तरफ से कार्रवाई हुई है? सही जवाब दे दिया गया है अमेरिका को? देखें, पहली बात हुई है कि अमेरिका जो है उसके साथ लड़ने का जो मामला है वो तो शायद ही कोई मुल्क इस वक्त ये कह सके कि हम उनसे लड़ने को तैयार हैं। रशिया के पास इतना ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल है, बल्कि कई लोग तो कहते हैं, जो खबरें भी हैं, कि उनके पास शायद उससे भी ज्यादा है अमेरिका के आर्सेनल से भी, लेकिन वो भी नहीं लड़ सकते अमेरिका के साथ। एक हकीकत यह है कि अमेरिका इस वक्त जो है एक वाहिद सुपर पावर है दुनिया की जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब ईरान जो है उसके ऊपर चूंकि इन्होंने एक हमला ऐसा किया है जिससे ईरान की जो अना है उसको भी ठेस पहुंची है, और फिर इल्ज़ाम भी वो लगा रहे थे, अमेरिका जो है वो लगा रहा था ईरान के ऊपर, तो ऑफकोर्स ईरानी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ रिटेलिएट तो करना ही था इस हवाले से कि कम से कम अपने लोगों को भी, एक पॉलिटिकल मसला भी होता है, अब लोगों को भी बताना होता है कि हमने जवाब दिया है। और दूसरा ये भी है कि ईरान ये करेगा तो उसके बाद अमेरिका अगला कोई स्टेप लेता है कि नहीं लेता, ये भी एक मलामा फिक्री है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगर इसके बाद ये और नहीं करते तो ये देखें, मैं तो एक राय दे सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका वहाँ के बहुत फुल स्केल वॉर चाहता है, लार्ज स्केल वॉर। अमेरिका ने जो करना था वो कर लिया, ईरान ने भी जो करना था वो कर लिया, कोई बहुत ज़्यादा हलाकतें नहीं हुई। और वो ये भी सुना है कि उससे कोई कुछ 100-150 किलोमीटर दूर एक और उनकी एक छावनी थी जहाँ पर ज़्यादा अटैक अगर होता तो होना था, नुकसान होना था, तो वो तो नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं हो सकेगी, बड़ा मुश्किल है। ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं है, ये भी सबको मालूम है, और अमेरिका ये भी कहता है कि हम ईरान को नहीं बनाने देंगे, और किसी को बनाने दें ना बनाने दें। उसकी वजह है बड़ी सिंपल, क्योंकि ईरान जो है वो एक थियोक्रेटिक स्टेट है, और थियोक्रेटिक स्टेट्स जो होती हैं जिस तरह सऊदी अरब भी है और भी बहुत सी हैं, पाकिस्तान को मैं इसी उसमें नहीं लेके आता कि पाकिस्तान का थोड़ा सा लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू भी है इस हवाले से। देख तो वो जो थियोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं उससे अमेरिका को ये प्रॉब्लम रहेगी कि वो रिटेलिएट बड़ा इस तरह कर सकते हैं जिसमें एक जुनून भी शामिल हो, और वो सोचे समझे बगैर भी कर सकते हैं, जिस तरह अफगानिस्तान में आपने देखा कि अमेरिका बड़ा इस लिहाज से देखता था कि अफगानिस्तान में रिटेलिएशन। ऑलराइट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अब ये जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, पासदार इनकलाब कहलाए जाते हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार जाहिरियत हुई अमेरिका की जानिब से तो निशाना यूएई और इजराइल होगा। अब इस थ्रेट को हम किस नज़र से देख सकते हैं? क्या इसमें एस्केलेशन आगे जाती हुई नजर आएगी? और फिर हमारे सामने जो अमेरिका का रिस्पॉन्स है वो ऑल इज़ वेल, प्रेजिडेंट ट्रंप कह रहे हैं ये जो हमले हुए हैं वो कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, तो ये क्या कवर अप हो रहा है? अभी वो कह रहे हैं असेस हो रहे हैं और वो खिताब भी करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, तो आपको क्या लग रहा है कि ये इस ईरान के इस कदम के बाद आगे क्या होता नजर आएगा? देखें नीलम, बात यह है कि एक तो बड़ी पॉजिटिव स्टेप आया है ईरान की तरफ से, जब उन्होंने ये कहा कि हमने अपना बदला ले लिया है। दैट मीन्स कि अनलेस कि आप अमेरिका ज्यादा प्रोपोगेशन करे या कोई और टारगेट्स पर जाए तो फिर रिटेलिएशन करे ईरान, अदरवाइज ईरान इज नॉट लाइक टू टेक फर्दर स्टेप्स। एक तो ये बात है। सेकेंड बात यह कि बिल्कुल थ्रेट उन्होंने दिया है, और वो इतिहादी अमेरिका को भी यही कह रहे हैं वी डोंट वॉन्ट टू फॉल दिस ट्रैप, हम अंग्रेस अपनी कैंट्री नहीं चाहते हैं।
अगर आपको पता हो तो पोम्पियो ने बड़ी कॉल की है सबको, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, और उन्होंने ये कहा कि वी आर गोइंग टू डी एस्केलेट, वी आर ट्राइंग टू डी एस्केलेट, वी डोंट वांट टू एस्केलेट। एक तो ये बात है। सेकंड ये कि देखिए, उन अमेरिकन को एक बात का बड़ा क्लियर पता है, पता ये है कि ये जो जनरल असीम सुलेमानी थे, इन्होंने, आपको मालूम है कि इन्होंने इराक की मलेशिया को बहुत ट्रेन किया, एनी वॉज वेरी पॉपुलर, खास तौर पे दाइश को और आईएसएस को। इसी तरह आपने देखा हिजबुल्ला को इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेन किया हुआ है, बैरूत लेबनान के अंदर, लाइक पैलेस्टाइन में हमास बैठा उनको ट्रेन किया हुआ है, और इधर अफगानिस्तान में, फिर सीरिया में बड़ा इन्होंने काम किया हुआ है। तो अमेरिकन को ये पता था कि आहिस्ता आहिस्ता ईरान अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉक्सी वॉर, एसिमेट्रिक वॉर की वजह से, ताकि वो ये ईरान को पता है कि हम कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकते। दे अमेरिकन हैव अ बिग गन्स, दे आर हैव अ बिग आर्मी, देयर इज नो कंपैरिजन, बट इन केस ऑफ प्रॉक्सीज कमिंग टू इजराइल गोइंग फॉर अमेरिकन टारगेट्स, और ये प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर दे आर वेरी ट्रेन, एंड दैट्स व्हाट इज उनकी स्पेशलिटी थी, ये जनरल सुलेमानी की भी, उन्होंने ट्रेन भी लोगों को किया हुआ है। अमेरिकन इससे बहुत खाइफ है। सेकंड, इसकी वजह से उनके थादी अपने ट्रुप से निकाल रहे हैं, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अमेरिका भी समझता है, और इससे पहले भी उन्होंने उनका ड्रोन जब उठाया, मारा, मार गिराया था, तो उन्होंने अपनी मिलिट्री माइट, इन्होंने ये दिखाई कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है और हम प्रॉक्सी वॉर के लिए बहुत ट्रेन है, और यही इंडिया और यही अमेरिकन नहीं चाहते कि हम दोबारा इंडस्ट्री के भी इन्वॉल्व इस वॉर के अंदर। एक तो हमें ये बड़ा क्लियर पता चल जाना चाहिए। अब जो वो थ्रेट कर रहे हैं कि इजराइल को देखें, इजराइल ने, लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये भी उठ रहा है, राइट, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है असलम घुमन साहब के, हम देखते हैं इस अटैक के बाद जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर है जवाद जरीफ साहब, उनकी जानिब से जवाब आता है कि ईरान ने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने सेल्फ डिफेंस में मुनासिब कदम उठाया है, और उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि ईरान कशीदगी नहीं चाहता, इसमें इजाफा नहीं चाहता, लेकिन जारियत का दिफा भी करेंगे। तो इस ट्वीट से तो लग कुछ यूं रहा है कि ईरान ने बदला ले लिया है और वो मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहता, क्या ये मैसेज दिया गया है ईरान की जानिब से? मेरा ख्याल ये बड़ा क्लियर मैसेज है, और क्योंकि उन्होंने अपनी कौम को भी, अपने अवाम को भी सेटिस्फाई करना था, और उन्होंने कहा था कि हम बदला लेंगे, वो बदला ले लिया है। अभी यहाँ यूएनओ का और बाकी जो ममालिक है, जिस तरह पाकिस्तान का बहुत अच्छा करदार है कि वो उन्होंने न्यूट्रल रह करके जी कि दोनों साइडों को अपना सब्र तहमल का मुजाहरा करना चाहिए और जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अमेरिका भी जो है वो डायरेक्ट ईरान पर कोई हमला करेगा या ईरान पर कोई टारगेट चुनेगा, तो वो लेकर, क्योंकि वो जो जिस तरह मेरे भाई ब्रिगेडियर साहब ने बात की है कि अमेरिका जो है ना, इनकी जो, क्योंकि देखें शाम में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, लबनान में इन्वॉल्वमेंट है, इराक में है, तो ये वो प्रॉक्सी वार में तो वो बड़े आगे हैं, उनकी जो अपना मलेशिया है, दूसरा उनकी पासवान है, उसमें तो अमेरिका भी उनसे खायफ है। लेकिन अमेरिका को ये भी बावर होना चाहिए कि आप जितने बेशक ताकत हो, देखें आर्जी नाल में ताकत के लिहाज से, फौज के और टेक्नोलॉजी के लिहाज से अमेरिका का मुकाबला कौन ही है, सुपर पावर है। लेकिन आप अगर पीछे जाएँ 70s में चले जाएँ कि शहनशाह ईरान को उन्होंने कितना मजबूत किया था, कितने बड़े बेसिस बनाए थे, लेकिन जब पब्लिक खिलाफ हो गई तो वो उनको वहाँ से अपना वो जो शहनशाह ईरान था उसकी भी छुट्टी ना हुई, बल्कि अमेरिका की फोर्सेज और अमेरिका के अड्डे भी ख़त्म हुए। तो अमेरिका को ये होना चाहिए कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि इतनी दूर से आकर आप किसी उन वहाँ के लोगों को आप यरमला बनाएं या वहाँ अपनी हेजमनी कायम करें। अभी देखें ना, ईरान ने भी, इराक ने भी कहा कि अपनी फौजें निकाल लें, अफगानिस्तान से भी वो निकल रहे, आज तक स्टेबल नहीं हुआ, और बल्कि शाम में भी कि ईरान ने जवाब दे दिया। अब इराक की बारी है अमेरिका को जवाब देने की, लेकिन हम इससे पहले आगे बढ़े, जवाद अहमद साहब, ये जो ईरानियन सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनाई, उन्होंने जब आज अवाम से खिताब किया ईरान में, तो वो कहते हैं कि इस वक्त इस हमले के थ्रू अमेरिका को सिर्फ एक तमाचा दिया गया है, और लेकिन अहम बात खित्ते में अमेरिका की जो फसादी मौजूदगी है उसको खत्म करना है। तो ये क्या आपको लगता है कि ईरान का जो एक जोश जज्बा हमें नजर आ रहा है, और ये इस एक अटैक के बाद, इस एक जवाबी कार्रवाई के बाद जो है वो ठंडा होता हुआ नजर आएगा? मैंने तो पहले ही कहा है कि मैंने स्टार्ट ही इसे किया था कि इनको पॉलिटिकली अपने लोगों को अनरेस्ट से, जो इमोशनल अनरेस्ट होता है उससे बचाने के लिए उन्होंने अटैक तो करना ही था,
लेकिन अगर आप देखें तो कैजुअलिटी इस तरह की नहीं हुई कि जिससे अमेरिका दोबारा तैश में आके कुछ करे, क्योंकि फिर अमेरिका को भी जवाब देना होता है अपनी कौम को। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप हमले करते हैं किसी के ऊपर, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क आप ले लें, तो आखिरकार वो पॉलिटिकल मसला बन जाता है। अगर आप ये कहते हैं कि जी हम हार मान गए हैं किसी से, तो कौम जो है वो सारी इमोशनली वो आपके साथ उनका एक एंटेगनिज्म जन्म वहाँ से उसका होता है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान ने जो करना था वो कर लिया। मैंने पहले भी कहा कि मुझे तो वर्ल्ड वॉर होती नज़र नहीं आती, और अमेरिका भी शायद अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। जो उन्होंने करना था वो, मैं नहीं कहता कि वो उनका जो मौकफ है वो ठीक है, ये तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स होती हैं ये तो एजेंसीज के पास होती हैं या गवर्नमेंट्स के पास होती हैं। लेकिन जो अमेरिका ने कहा कि हमने क्यों किया, क्योंकि उनकी क्यों इन्वॉल्वमेंट थी प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने जो करना था वो कर लिया है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब ईरान इस पोजिशन में कभी भी होगा, चाहे खामनाई साहब कुछ भी कहें। देखिए, चाहे कोई रिलीजियसली लोगों को लीड कर रहा हो, चाहे वो पॉलिटिकली लीड कर रहा हो, चाहे वो लिबरल हो चाहे सेकुलर हो, चाहे वो कोई रिलीजियस थियोक्रेसी हो, आखिरकार आपने अपनी कौम को मुतमईन करना पॉलिटिकली होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की बातें इसलिए की जा रही हैं ताकि ईरानियंस जो हैं वो बड़ी इमोशनल कौम है, आपको सबको मालूम है, तो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए, वो काम डाउन हो जाए। मेरा ख्याल है कि इसलिए ये बात की गई है। ऑलराइट, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं जो इस वक्त हमारे सामने यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, और उसके बाद जो रीसेंट अपडेट्स हमारे सामने हैं ईरान की जानिब से जो जवाब दिया गया है। हमें ब्रेक के बाद इस वक्त ज्वाइन किया है जनाब साजिद तारर साहब ने, फाउंडर ऑफ अमेरिकन मुस्लिम्स हैं, एडवाइजर टू प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारर साहब, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। साजिद तारर साहब, क्या फरमाइएगा हमारे सामने मिडल ईस्ट में, जी हमारे सामने मिडल ईस्ट में इस वक्त जो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, और उसमें जो हमें ये संगीनी नजर आ रही है, ईरान ने रात 1:30 बजे के करीब जो है इराक में जो दो यूएस मिलिट्री एयर बेसिस थी जिनमें जिनका नाम एनुल असद और इब्रुल है, उनके मकाम पर जो दो अमेरिकन बेसिस थे उनको निशाना बनाया जाता है, जहां पर अमरीकी और जो इतिहादी फोर्सेज हैं उनके ट्रूप्स मौजूद थे। ईरान ने अपनी सरजमीन से तकरीबन 22 से जायद जो रॉकेट्स हैं वो लॉन्च किए हैं, वो फायर किए हैं इन दो यूएस मिलिट्री एयर बेसिस पर, और जो ईरानियन स्टेट टीवी है वो क्लेम कर रहा है कि 80 अफराद जो है हलाक हुए हैं। तो अब इसमें क्या बताइएगा, आप इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं, व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है इस ईरान के जवाबी कार्रवाई के बाद? क्या ईरान ने दो टोक जवाब दे दिया अमेरिका को? मेरे ख्याल में जो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में माहौल है, जो जिस तरह का उसमें सारे जो ट्रूप्स थे इस वक्त 5,000 अमेरिकन सोल्जर वहां पे मौजूद थे, अमेरिका इराक में पोस्टेड है, उनको सबको कैलकुलेशन की गई है, सब बाहफाजत है, उनमें से कोई भी ना कैजुअलिटी है उनमें ना जख्मी है अभी तक, और असेस किया जा रहा है कि नुकसान भी इतना ज्यादा नहीं है। कौंसलेट जनरल का ऑफिस जो है वहां के उसके नजदीक भी एक मिसाइल जो है वो दागा गया ईरान से। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बताऊंगा कि वाशिंगटन डीसी में माहौल इस तरह से है कि ईरान की तरफ से ये वार्निंग थी, ईरान ने एक मसल फ्लेक्स किया है, उन्होंने बताया कि वी हैड अ कैपेसिटी टू हर्ट यू बट वी डोंट वांट टू हर्ट यू। अब यहाँ पे ये एक ऐसा माहौल है वाशिंगटन डीसी में। और दूसरा मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल चीजें भी बताऊंगा आपका, जावेद जरीफ साहब जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी भी ट्वीट है कि हम मजीद जंग नहीं चाहते। दूसरा उनका ट्वीट था कि दिस वाज अ डिफेंसिव एक्शन नॉट ऑफेंसिव। दूसरी तरफ से मैं आपको बताऊंगा कि अटैक के पहले राउंड के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी ट्वीट था कि ऑल इज वेल। तो इन चीजों से देखा जा रहा है कि आगे हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे वर्सेस के खुदा ना करे कि तीसरी आलमी जंग की तरफ या एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ। मेरे ख्याल में दोनों तरफ से चीजों को सेटिस्फाई किया जा चुका है। ईरान के ऊपर प्रेशर था अवाम का, उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो ठंडा कर लिया है। मेरे ख्याल में इसके बाद आगे चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगे। दिस इज माहौल वाशिंगटन डीसी में ऐसा है, लेकिन ये अब इससे कोई बाइज नहीं है कि इंटरनल स्टोरी दूसरी तरफ जा रही हो। ये अभी 11 बजे प्रेसिडेंट साहब स्पीच करेंगे, लेकिन ज्यादातर माहौल इसी तरह है। पॉम्पियो साहब भी और दूसरे जो, लेकिन यहाँ पर साजिद तारर साहब जो हमें
ऑलराइट, यहाँ पर ईरानी पासदार ने इनकलाब जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि इस बार अगर अमेरिका की जानिब से जारियत हुई तो निशाना यूएई और इसराइल होगा। तो ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जो है ये कन्वे की गई है, तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि क्या यूएस जो है अब कोई मजीद रिटेलिएशन का जो है कदम उठाता हुआ नजर आएगा इस हमले के बाद जो ईरान की जानिब से किया गया? मेरा ख्याल है कि इसके बाद अभी कुछ दिन वेट किया जाएगा, चीजें असेस की जाएंगी फ्यूचर में, और कुछ मीडिएशन के लोग दरमियान में स्विट्जरलैंड और दूसरे ऐसे ममालिक जो है वो दरमियान में मीडिएशन की ट्राई कर रहे हैं, दरमियान में कूल ऑफ करने की ट्राई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी कुछ दिन इस चीज को वेट किया जाएगा, देखा जाएगा। और जिस तरह आप ईरान की बात कर रहे हैं रिटेलिएशन की, लेकिन यहाँ मैंने ये भी आपको बताया कि जावेद जरीफ साहब ओपनली रिट्वीट कर चुके हैं कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट टुवर्ड्स द वॉर। तो ये चीजें जो दूसरा वहां पे बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा है कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस में हमने जो है अपना बदला ले लिया है। लेकिन अगर अगर हमें हम अगर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ले तो आपको क्या नजर आ रहा है अमेरिका के अपने अंदर जो स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं उन्होंने भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके इस कदम की मजम्मत जो है वो की थी, तो आपको क्या लग रहा है कि जो अमरीकी अवाम है या जो अंदर से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनकी अपनी कांग्रेस है क्या वो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के इस कदम के साथ उनके साथ खड़ी है? मेरा ख्याल नहीं, इसमें डेमोक्रेट पार्टी तो पहले जिस तरह आपको बताया है वो ना सिर्फ आए से 2016 से जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीते थे उसके बाद से वो उनको इम्पीच करने की ट्राई में थे, उनके खिलाफ यहाँ पे मीडिया वार और दूसरी चीजें थी, लेकिन उनके पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर था, इम्पीचमेंट उनको हर्ट नहीं कर सकी, इट वाज ट्रू। और दूसरा आपने जिस तरह फरमाया कि नैन्सी पेलोसी और चक शूमर जो सेनेटर हैं न्यूयॉर्क से वो मुसलसल यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्पेशली कासिम सुलेमानी के मर्डर उनके उनपे अटैक की वजह से उनको यहाँ पे, और उसके रिटेलिएशन में यहाँ पे तैयारी की जा रही है कि इंटेलिजेंस जो थी वो शेयर की जाए डेमोक्रेट पार्टी के साथ, हाउस के साथ, कांग्रेस के साथ, कि कासिम सुलेमानी साहब किस तरीके से प्लान कर रहे थे अमेरिकन एसेट्स को, और अमेरिकन लाइफ को थ्रेट थी, एक वाज़े थ्रेट थी जिसकी वजह से नागुजीर था अमेरिका के लिए कि वो इस चीज का ये कदम उठाते। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये इलेक्शन का साल है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी कुछ आगे चलेंगे उनको बड़ा एहतियात के साथ काम करना पड़ेगा, अमेरिका रिटेलिएट जरूर करता अगर कैजुअलिटीज होती, अगर मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने बताया कि सारे अमेरिकन सोल्जर ट्रूप्स दे हैव बीन काउंटेड फॉर, वहां पे कोई कैजुअलिटी नहीं है, वहां पे कोई जख्मी लोग नहीं है, वहां पे कोई नुकसान जरूर हुआ है लेकिन जानी नुकसान नहीं है, अगर जानी नुकसान होता तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए मुश्किल। लेकिन साजिद तारड़ साहब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के इस इकदाम को इस तरह से भी देखा जा रहा है, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसे टाइम में कि जब उन पर एक इम्पीचमेंट ट्रायल जो है वो उनके सर पर उसकी तलवार भी लटक रही है, एट द सेम टाइम जो है अगले इलेक्शन भी उनको जीतने हैं, और फिर 2011 में उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया था और उन्होंने इन ख्यालात का इजहार बराक ओबामा के हवाले से किया था कि बराक ओबामा जो है इस हवाले से ईरान पर हमला कर सकते हैं, तो क्या वो खुद इस वक्त इम्पीचमेंट ट्रायल से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो है ये कदम उठाते हुए नजर आए हैं? मैं यहाँ पे दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को इम्पीचमेंट का कोई खतरा नहीं था क्योंकि इस वक्त सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी है और उन जो चेयरमैन सेनेट है वो लेटर भी लिख चुके हैं कांग्रेस को, और वो बार बार मीडिया में भी ये बता चुके हैं कि जब भी ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस सेनेट में आएगा तो इट विल बी रिजेक्टेड ऑन द टेबल, नंबर वन। दूसरा मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ नॉन वॉर प्रेसिडेंट, उसकी उसको मैं इस पॉइंट को इस तरह सपोर्ट करूंगा कि ही वाज अगेंस्ट द इराक वॉर, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है हमेशा अपने मकासद हल करने के लिए इकॉनमी को यूज करते हैं, सैंक्शंस को यूज करते हैं, टैरिफ और एम्बार्गो को। ईरान का एम्बार्गो स्ट्रॉन्ग था, इट वाज वर्किंग, वहां अंदर रिवोल्ट शुरू हो चुका था, ईरानियन जो ईरानी कौम थी वो कंसर्न थी ऑयल प्राइसेस पे, वो कंसर्न थी कि ईरानी पैसा मिडल ईस्ट में, सीरिया में और लेबनान में खर्च हो रहा है, उस पर कंसर्न था उनका। लेकिन कासिम सुलेमानी साहब एक थ्रेट बन चुके थे, और दूसरा मैं यहाँ पे ये बताऊं कि एक इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये चीजें इनहेरिट की हैं, दर हकीकत ईरान जो है वो रशिया की जबान बोल रहा है,
रशिया हैज बिकम सो स्ट्रॉन्ग इन दैट रीजन, उन्होंने सीरिया में नेवल बेस बनाई, उन्होंने यूक्रेन और क्रीमिया को थ्रेट किया, तो ये सारी चीजें ओरिजिनली आपको दर पर्दा नजर नहीं आती। इस वक्त ईरान के पीछे रशिया की सपोर्ट है और उसको काउंटर करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को, और वो कर रहा है उस रीजन में अपने एलाइज के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर तो हमें डोनाल्ड ट्रंप जो है ट्वीट में ये भी कहते हुए नजर आए कि हमने $2 trillion जो है वो वेपन्स पर खर्च किए हैं, अगर ईरान ने हमला किया तो वो अपने खूबसूरत हथियार जो है वो ईरान भेजेंगे, तो आपको आपको नहीं लगता कि एस्केलेशन तो यहाँ पर जो US प्रेसिडेंट है उनकी जानिब से भी उसको प्रोवोक किया जा रहा है इस किस्म की ट्वीट करके? देखिये उनका मैंडेट का हिस्सा है, क्योंकि आज से ओबामा पीरियड में 8 साल पूरी चाइना और रशिया दोनों ने अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी और ओबामा का इस तरह के एक्शंस पे, जब वो सीरिया में रेड लाइन ड्रा करते रहे और रिएक्शन नहीं करते थे, इन दोनों कंट्रीज ने, चाइना और रशिया ने, उनकी वीक फॉरेन पॉलिसी को अब्यूज किया है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसका ट्वीट भी दिया कि ही इज नॉट अ बराक ओबामा, इफ समबडी वांट्स टू चैलेंज हिम ही विल रिटेलिएट, और उसमें अल्टीमेटली वो उन्होंने उसमें उन्होंने right. अपनी स्ट्रेंथ दिखानी थी। दूसरा क्विकली चलते चलते साजिद तारड़ साहब आखिरी सवाल जी, हम देख रहे हैं कि अब कुछ ही घंटों बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है इस तमाम सिचुएशन पर बयान भी देंगे, आपके ख्याल में क्या कहा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, क्योंकि अगर उनका आज का बयान आगे की सूरत हाल जो है उसका तायुन कर देता है तो वो उससे हालात ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, जबकि अमेरिका की जो एलाइड फोर्सेज है वो खुद को इस मामले से अलग करती नजर आ रही है, नेटो समेत कनाडा, जर्मनी और जो रोमानिया है उन्होंने अपनी अपने फौजियों को इराक से निकालने का फैसला ऑलरेडी कर लिया है जी। देखिए मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब कौम को एतमाद में लेंगे, कौम को बताएंगे कि उनका एक्शन कितना जरूरी था, और उसके बाद इसकी पहले थोड़ी सी उन्होंने एक जिस तरह कहते हैं कि इंट्रो जो है वो कल दिया, कल यहाँ पे ग्रीस के जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टच किया था थोड़ा सा, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे कि अगर कैजुअलिटीज होती तो उनका एक्शन क्या होना था, या फिर आगे कैजुअलिटी नहीं है तो आगे लाहेमल क्या अख्तियार किया जाएगा, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि आगे हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, आगे हालात मजीद जंग की तरफ नहीं जाएंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब हमें ज्वाइन करने का। अब यहाँ पर अगर हम वापस जवाद अहमद साहब, ये क्वेश्चन हम आपकी जानिब ले आएंगे, क्या ये हमने जो देखा कि जो एलाइड फोर्सेस हैं यूएस की उन्होंने अपने अपने ट्रूप्स इराक से निकालने का फैसला कर लिया है, तो इससे ये समझा जा सकता है कि जो यूएस के अपने एलाइज हैं वो भी उसके साथ खड़े होने से कतरा रहे हैं? मेरा तो ख्याल है कि ये जो ऐसा लम्हा है दुनिया के अंदर मिडल ईस्ट के हवाले से कि जहाँ पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये सारी अभी स्पेकुलेशन है, अभी वो निकालने का भी कह रहे हैं, ट्रंप जो हैं वो दोबारा धमकी भी दे रहे हैं ट्वीट के अंदर, और वो चाहते हैं कि उन तक एक पैगाम पहुंच जाए कि हम अगर दोबारा कुछ हुआ तो खूबसूरत हथियार भी जो है वो यूज़ करेंगे। अगर उधर ईरान को देखें तो उनका भी रिस्पॉन्स ये था कि खूबसूरत हथियार जो हैं आपने पहले ही इतने $1 trillion जो है वो खर्च कर दिए हैं जंगों में, अगर 2 trillion, 1 trillion और खर्च करना चाहते हैं तो करें, इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो रिटेलिएट करेंगे। तो देखिए मैं ही समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अभी अनफोल्ड होंगी, ये कभी हो नहीं सकता कि यूरोपियन ममालिक भी और एलाइज में और भी जो अमेरिका के साथ आते हैं उसमें कनाडा भी आता है, तो इवन टर्की भी जो है वो नेटो के अंदर रहा है, तो अगर आप इन सब को मुल्कों को देखें तो इनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं जियोपॉलिटिकल, और हमें नहीं मालूम कि ये जो एलाइज हैं अमेरिका के वो अमेरिका के कहने पे सिर्फ ये करेंगे या वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे, ये सारा कुछ बड़ा मेरा ख्याल है कि अभी हेजी सी पिक्चर है, कुछ थोड़े अरसे के बाद क्लियर होगी, हम कुछ नहीं कह सकते इस हवाले से। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर असलम घुमन साहब, जो इराकी मिलिशिया है उसने भी जवाबी कार्रवाई करने का बड़ा सख्त जो है रिस्पांस करने का जो है इशारा दिया है, इराकी मिलिशिया का कहना है कि उनका रद्द अमल ईरानी जवाबी कार्रवाई से कम नहीं होगा, तो यहाँ पर ना सिर्फ ईरान बल्कि इराक को भी इग्नाइट कर दिया है यूएस ने अपने इस अटैक से। नीलम बिल्कुल उन्होंने सही किया, मैं आपको बताऊं मैंने पहले भी कहा है
कि कोई मुल्क नहीं चाहेगा कि वहाँ आकर बाहर के ट्रोप्स और ख़ासतौर अमेरिका के, जहाँ उन्होंने इतनी तबाही की है इराक की, और उसकी ट्रेडिएशन एक ना एक दिन होनी थी, और अभी उनको जवाब मिल गया है कि उनके मुल्क में एक बाहर से आए हुए बंदे को ऊपर निशाना बनाया गया है, और उसके नुकसान किसका हुआ है, इराक का, मुसलमानों का। तो ये रिटेलिएशन जो इराक की तरफ से, ये एक्सपेक्टेड थी, ये तो एक मौका आ गया, वरना भी वो अंदर से खुश नहीं कि अमेरिका आकर यहाँ बैठे या अमेरिका दूसरे मुसलमान मुल्कों में बैठे। और आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, मैंने जैसे पहले भी कहा है, ये हुआ ही नहीं आज तक कि अमेरिका किसी मुल्क में जाकर परमानेंट अपना बेसे या वहाँ अपना पाँव जमा सके। तो ये ईरान और इराक इस तरह, अभी मेरा ख्याल रशिया और लबनान जो वो भी, क्यों जिस तरह पहले साजिद साहब ने बताया कि इस वक्त रशिया और जो चाइना है वो भी एक बड़ी पावर बन गए हुए हैं, दो अपना वो भी नहीं चाहेंगे कि वो अमेरिका को इतनी खुली छुट्टी दें कि वो आकर इधर मिडल ईस्ट में या साउथ एशिया में अपने पैर जमाए और उनको भी थ्रेट बने। तो ये बड़ा भी अनफोल्ड होना है। मैं आखिरी बात ये आपसे कहूँगा कि लेकिन यहाँ ट्रंप साहब जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जिनके से कोई बईद नहीं है। अभी डिपेंड करेगा उन्होंने जो स्पीच करनी है, क्योंकि वो अपने को, उनकी एम्बैरेसमेंट हो रही थी, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि इम्पीचमेंट का भी आ रहा था, उससे बचने के लिए, फिर इलेक्शन का साल भी है, तो ये सारे अपना अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ उसने करना ज़रूर है। अभी यहाँ खुदा करे उनको अकल आ जाए कि आगे रिटेलिएट ना करें, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ट्रंप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। वो अपने, उन्होंने अवाम को, क्योंकि पहले ये उनका नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, नुकसान तो डेफिनेटली हुआ है, ये नहीं हो सकता कि कैजुअल्टी ना हुई हो। मेरा ख्याल है वो छुपा रहे होंगे, कैजुअल्टी हुई है और अमेरिका को शायद इसका पता भी है। एक्शन पर तनकीद का सामना है, न सिर्फ ये कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को अपने सिस्टम के अंदर से कांग्रेस की जानिब से इस एक्शन पर जो है तनकीद का सामना है, बल्कि जो यूएस मीडिया है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन को जो है बहुत ज़्यादा सराह नहीं रहा। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यूएस मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप की जो माजी तकरीरें हैं और जो स्टेटमेंट्स हैं जो कि उन्होंने बराक ओबामा के लिए कही थी, इसी तरह ईरान पर हमले के मुतालिक और इसी तरह इलेक्शन को लेकर, लेट्स लिसन टू दैट ऑल्सो फर्स्ट, वो हम दिखाना चाहेंगे आपको। Why would Donald Trump even bring everybody to this point? Why do something so risky? Why now? Nobody knows. If only there was a wise man, some wise man in 2011 who could have predicted why this would be happening today. Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. I believe that he will attack Iran sometime prior to the election because he thinks that's the only way he can get elected. जी, यहाँ पर जवाद अहमद साहब, खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं 2011 में कि आई थिंक बराक ओबामा इज वीक एंड इनफेक्टिव एंड ही वुड अटैक ईरान इन ऑर्डर टू री इलेक्टेड। तो ये जो स्ट्रेटजी उन्होंने 2011 में प्रिडिक्ट की थी बराक ओबामा के लिए, आज 2020 में वो खुद इस पर अमल दरामद करते नजर आ रहे हैं। ये है कि अमेरिका में कभी कोई प्रेसिडेंट जो है वो सोलली कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अमेरिका के अंदर एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उनका, पेंटागन, अब पेंटागन पूरा देख रहा होता है, फॉरेन पॉलिसी वो भी देख रहा होता है साथ प्रेसिडेंट के साथ भी, और इवन वॉल स्ट्रीट तक इन्वॉल्व होती है, कॉर्पोरेट अमेरिका भी इन्वॉल्व होता है। मेरा नहीं ख्याल कि बराक ओबामा से लेके जॉर्ज बुश से लेके बिल क्लिंटन से लेके और अब डोनाल्ड ट्रंप तक कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो इतना फ्री विल के साथ कुछ भी कर सकता है। ये अमेरिका की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होगी जिसके हवाले से वो ईरान के ऊपर देखेंगे आगे क्या करना है, लेकिन जो अभी इन्होंने ये काम किया है ये बड़ा कैलकुलेटेड है, ये बिल्कुल वॉर की तरफ नहीं जा रहे थे। जिस तरह ईरान प्रॉक्सी वॉर्स कर रहा था, इन्होंने भी एक प्रॉक्सी वॉर वाला मामला किया है। और मैं सबसे पहले जब आपने मुझसे पूछा था उसी वक्त मैंने कहा था कि फुल स्केल वॉर कभी अमेरिका नहीं चाहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने कर दी अभी, वो मैं भी करना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा धमकियाँ देते हैं और वो धमकियां वो डेटरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली लड़ना या फौजें भेजना या जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। उनका इकोनॉमी मसला होता है क्योंकि वो एक कैपिटलिस्ट हैं, बहुत बड़े जो हैं वो टाइकून हैं, बिलियनर हैं, उनका मसला ये होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को प्रोटेक्शनिस्ट, अब क्या जो अमेरिका को इकोनॉमिकली बेहतर करना चाहते हैं जा रहे हैं
US President Donald Trump, usme kya kaha jayega, kya aage ki strategy batayi jayegi, kis tarah se unka response hoga, hum us par bhi nazar rakhenge. But moving on, hamare show ka time bhi kam reh gaya, humne agle topic ko bhi cover karna hai. Yahan par Aslam Ghumman sahab, aaj agar internal domestic politics par aa jaye to kaha ja raha hai ki aaj ek historic day hai, kyunki National Assembly ke baad आज सेनेट से भी जो आर्मी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020 था वो यूनानिमसली जो है कसरत राय से मंजूर हो चुका है और अब वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास जो है भेज दिया गया है उनके दस्तखत के बाद ये बाकायदा कानून का हिस्सा बन जाएगा. सेनेट में हमने देखा कि ऑपोजिशन की मेजॉरिटी थी लेकिन ऑपोजिशन ने भी इस बिल की हिमायत में वोट दिया और इसको अप्रूव किया. तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि सियासी जमातें जो हैं वो अवामी इश्यूज पर भी इसी तरह यकजहती का मुजाहरा करती दिखाई देंगी? आज के दिन को किस तरह से देखा जाएगा? नीलम, ये बहुत अच्छा ये जो मौका था इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, मेरा ये अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को क्रेडिट देना चाहिए और अपोजिशन को मैं इसलिए देता हूँ कि उन्होंने नेशनल यूनिटी दिखाई है कि जब नेशनल हमारा मुल्क का एक नेशनल लेवल का काम आएगा, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं या पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो सब की हैं, मुल्क के लिए दिफा करती हैं, तो इन्होंने बहुत मेच्योरिटी का दिखाया और वाकई ये हिस्टोरिकल इवेंट है और मौका है कि अपोजिशन ने और गवर्नमेंट ने इस बिल को पास किया है मेजॉरिटी के साथ. तो ये एक खुश आइन बात है और इसको आइंदा भी मेरा जो मुल्की हमारे मसाइल हैं नेशनल लेवल के इसी तरह का हमें तामन देखना चाहिए और ये अच्छी बात है जो मेरा हल इसको सारी कौम ने सराहा है. हम आपको पहले सुनवा दें कि आज फिरदौस आशिक आवान ने सेनेट से बिल की इस अप्रूवल के बाद जो है मीडिया टॉक में क्या बात की है एंड देन वी विल गेट बैक टू आर क्वेश्चन हियर. तमाम सियासी क्यादत और जमहूरी सोच रखने वाली जमातों ने पाकिस्तान को तकवीयत दी है, कौमी मफाद को स्ट्रेंथन किया और पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने की तरफ एक मुस्बत और अमली कदम उठाया. उसके लिए तमाम जमातें, पूरी कौम और पार्लियामेंट और सेनेट ये सब मुबारकबाद के मुस्तहकम है. आज नेशनल हुड, यूनिटी, नेशनल हार्मनी जो है. जी जवाद अहमद साहब, बड़ा अच्छा माहौल नजर आ रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को हमें मिल रही हैं, हुकूमत की जानिब से भी बड़ी तारीफ की जा रही है. जैसे कि अभी फिरदौस आशिक आवान साहिबा कह रही हैं कि जमहूरी सोच रखने वाली जमातों ने कौमी मफाद को ताकत दी है और अहम कौमी मामले पर यकजहती का इजहार किया है. ये माहौल क्या कायम रहेगा? अल्लाह करे कि कायम रहे, लेकिन कौमी जो अवामी मफाद हैं क्या उसमें भी यही माहौल आगे चलता हुआ नजर आएगा? देखिए, पाकिस्तानी सियासत जो है ना बड़ी मजहका खेज सियासत है. पहले आप देख लेंगे ये जो फिरदौस आशिक आवान साहब हैं कि कोई क्रेडिबिलिटी कोई है, पहले पीपीपी में थी, उधर भी बयान देती थी, अब इधर आगे दे रही हैं. लेकिन असल बात ये है कि देखें, इस मुल्क के अंदर कोई भी सियासी पार्टी, चाहे वो जितने मर्जी नारे मारे, PMLN हो, PPPP हो या PTI हो, ये खुद कुछ नहीं है, आवाम के अंदर रूट्स नहीं है इन सब के, ये लोगों के अंदर है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है. इनकी एक कॉल के ऊपर लोग बाहर तक नहीं निकल सकते, ये गरीबों को आज तक कुछ नहीं दे सके, आवाम इनके साथ है ही नहीं. इसलिए इस मुल्क के अंदर सिर्फ पोलिटिकल प्रोसेस पोलिटिकल पार्टीज नहीं चलाती, ये सबको पता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ. तो इसलिए जो बातें होती हैं ना बड़ी बड़ी, जो PMLN करती है कि जी वोट को इज्जत हो, कभी PPP, इनका असल मसला क्या होता है, उन्होंने बार्गेनिंग करनी होती है, वो कर ली है. अब वो जेल से बाहर चले गए एक साहब जो है वो बाहर ही चले गए हैं, मुल्क से भी बाहर चले गए. आसिफ दारी साहब भी बाहर हो गए हैं, निकल गए हैं, नवाज शरीफ साहब भी बाहर निकल गए हैं. अवाम को जो है वो हर कोई जो है वो गोलियां दे रहा है, हर किस्म की, वो अफीम की गोलियां भी दे रहे हैं, वो डिस्प्रीन भी दे रहे हैं, अवाम के मसाइल हल कोई नहीं कर रहा. सारी पार्टीज और सारे जो लोग हैं वो एक पेज पर आ जाती हैं लेकिन अवाम एक पेज पर नहीं आती. सारा मसला अवाम का है, गुर्बत का है, महंगाई का है, प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं तालीम, सेहत, रोजगार के अंदर, और वो कोई इनमें से हल नहीं करना चाहता. ये इस तरह के मसाइल में उठाए रखते हैं, ये कोई मसला है भला? ये इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की सियासत जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल का निशान है. इसके दौरान हम देखते हैं कि सेनेट से सेनेटर परवेज रशीद, रजा रब्बानी और जो जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब है वो गैर हाजिर भी नजर आए. अब ये जो अमेंडमेंट हमारे सामने आ गई आर्मी एक्ट की, इसके तहत जो चीफ की जो अपॉइंटमेंट है या री अपॉइंटमेंट है या एक्सटेंशन है,
कहा गया है कि ये प्राइम मिनिस्टर का राइट होगा और ये उनकी जो है उनका फैसला होगा और इस फैसले को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो ये आप लोगों ने डिफाइन कर दी है, आपके ख्याल में ये अमेंडमेंट बिल जो है आर्मी एक्ट में ये सही हो गया है और अब आगे चलकर कोई ऐसी कंफ्यूजन सामने नहीं आएगी? मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है, ये हुआ है, ये पहले भी था लेकिन अभी क्योंकि ये आईन का हिस्सा बन गया है और इसको हमने लीगल कवर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसके बाद ये मरहल ये बहुत अच्छा इकदाम हुआ है। तो हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए, जो अच्छी चीज़ हो अपोजिशन मिलकर करे उसको सराहना चाहिए और खुद जिस तरह हमने कहा अल्लाह करे आइंदा भी नेशनल इशू पे नेशनल मफाद को सबसे आगे रखते हुए ये इकट्ठे होंगे और हमारे जो में जज्बा है जब कौम का बात आती है। मोहम्मद साहब, जवाद अहमद साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज इन बिल्स के अप्रूवल के बाद कहा जा रहा है कि जो सेनेट में अपोजिशन थी उसकी अक्सरियत थी लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन ने भी इन बिल्स की हिमायत में वोट दिया। सवाल सबसे बड़ा अब यहां से आगे चलकर यही उठाया जाएगा कि क्या अब ये तमाम सियासी जमातें अवामी इश्यूज पर भी इसी तरह यकजहती का मुजाहरा करती हुई नजर आएंगी या नहीं, या आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, सी ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।